जय शनिदेव भक्तों, मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। मैं किंचन मनु पूरी दुनिया के सामने शनिदेव महाराज की कृपा का आभास कराता हूं सबको, और आप सब लोगों पर शनिदेव महाराज की कृपा हो। ये कलयुग के अधिपति नाथ है, रात्रि के अधिपति है, और भगवान शंकर का परम अंश है और कर्म फल प्रदाता है। कर्म का फल जो है वो आपको प्रदान करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, इनको न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीश बड़े सक्सनी भक्तन को सुकार, जो गन्ने की डांड है, पोर पोर रसदार, शीस मुकुट कर भाल है, गल में मुक्तन माल, रवि छाया के लाल का, क्रोध अजब मंद चाल। मंद चाल है और अजब क्रोध है, आंखें कोटर सदृश विशाल है, और हमेशा ब्रह्म के ध्यान में लीन रहते हैं और भक्तों को भक्ति प्रदान करते हैं। तो समस्त संसार को जागृत करने कलयुग के जो देवाधिदेव है वो भगवान शंकर के अंश शनिदेव महाराज हैं। तो कलयुग में सब पर उनकी कृपा हो। विशिष्टता मेरे द्वारा जो कर्म वो करा रहे हैं वो बड़ा ही सात्विक और परमार्थिक है। आप उस डंडी पर चले, वो नूरी पगडंडी है, आपको उसकी शरण मिले, आप पर उसका तेज फले और करुणा हो आपकी। पहली बात तो ये है कि शनिदेव महाराज की आप अपने घर में तस्वीरें रख सकते हैं, उसका कोई भी हानि कोई भी दोष नहीं होता है। जो कहता है देव देवता देने वाला होता है, मेरे घर में इतने सालों से लगातार तस्वीर रखी हुई है और 1000 लोगों के यहाँ मैंने छोटी मूर्ति भी जो 9 इंची है वो भी पधारी हुई है, और वो भी पंजाब के अंदर भी मैंने 700 मूर्तियां तब पधारी थी जब मैं अपनी भक्ति के शुरुआती दौर में था, और वो भी सरदारों के यहाँ। सरदारों से मेरा विशिष्ट प्रेम है, ये सारी दुनिया जानती है, और मैं इसको अमर करके भी जाऊंगा। अगर सबसे बड़ी बात, हमारी एक पुस्तक है वृहद शनि महिमा ग्रंथ, ये पुस्तक जो है ये मुफ्त में ही जो है शनिधाम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दूरी पे हैं तो आपको फोन के माध्यम से वो भेज दी जाएगी, इसकी पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी। इसमें मनु भैया के द्वारा जो की गई साधनाएं हैं और साधनाओं में आपने क्या क्या करना है वो सब इसमें लिखा हुआ है। सभी देव देवताओं की स्तुतियां भी इसमें है, क्योंकि मनु भैया नहीं चाहते आप केवल शनि को पूजे, आप सबको पूजे। सबसे मनु भैया ने भी ग्रहण किया है, आप सबसे ग्रहण करें, देवताओं में आस्था रखें, देवताओं की कृपा सब पर विशिष्ट तरह से होती है, और किसी भी देवता को छोटा बड़ा ना माने, क्योंकि सबकी कृपा आपको जरूर जरूर चाहिए अपने जीवन में। जैसे भगवान राम को अगर समुद्र की कृपा चाहिए थी तो उन्होंने समुद्र की सेवा की, वशिष्ठ की चाहिए तो वशिष्ठ की सेवा की। इसी तरह अर्जुन महामानव के रूप में पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रचलित है, तो अर्जुन ने भी जब जिससे जो भी कुछ चाहिए था उसी की साधना की, उसी के पास गए, चाहे वो इंद्र से ही अस्त्र शस्त्र लेने की बात क्यों ना हो। तो जब जिसकी आवश्यकता आदमी को जीवन में पड़ती है उसी का सब कुछ चाहिए। और अगर गुरु ग्रंथ साहिब में दुनिया भर की स्तुतियां आई हैं और दुनिया भर के भजन दोहे सोटे और दुनिया भर की जो है क्या कहते हैं शब्द आए हैं, और वो शब्द उन गुरुओं द्वारा तो लिखे गए हैं, लेकिन संसार में जहां जहां जो जो कीमती था वहां से भी ले लिया गया है। हालांकि मुस्लिमों के यहां से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ली है। बुल्ले शाह की भी कोई स्तुति है महाराज? बुल्ले शाह की कोई स्तुति है गुरु ग्रंथ साहिब में? बाबा शेख फरीद जी की है, वो तो मैं जानता था, मैं तो बुल्ले शाह नाम आ गया तो इसलिए आपसे पूछा है कि उनकी भी है क्या कोई? हो सकता है इतिहास में है तो वो भी है। तो इस तरह से हमें सार सार इकट्ठा करना चाहिए और थोता थोता जो होता है उसको उड़ा देना चाहिए। खैर यहाँ ये बात नहीं है, मैं साधना के गुण से गुणतम अन्नतम गुण जो है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, जो केवल मेरे अनुभव है वो मैं देने के लिए तैयार हूं, और उसमें हमने शक्ति शनिधाम के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, केवल आप उसमें जुड़े। साधना वाला मैंने हटा दिया है क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, 20-20 लोगों की दृष्टियां खोलेंगे, 20-20 लोगों पर भगवत कृपा कराएंगे और उनको अपने 20-20 या 30-30 लोगों पर और उनको अपने सानिध्य में हम भक्ति प्रदान करेंगे, यानी कि उनसे भक्ति कराएंगे जैसे हमने की है, और उन पर सब पर देव कृपा भी होगी। तो इसलिए और दूसरा जो है वो साधना का समय मैं देने के लिए तैयार हूं, और लोगों को वो समय मेरा मिलने वाला है जल्द ही, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अपने अनुभवों की जब से वो मेरे साथ जुड़े हैं वीडियो भेजनी ही भेजनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसमें चेहरा छिपाने की कोई बात नहीं है, तो तत्पर हो जाओ साधना करने के लिए, देव कृपा पाने के लिए आपको। और सबसे पहली बात यह, मेरे साथ 5000 लोग जुड़े हुए हैं, 6000 लोग जुड़े हुए हैं, उनको क्या चाहिए, उनको अपनी पीडीएफ फाइल भेजनी भेजनी पड़ेगी। मैंने साधनाएं कराई है मुझे तभी तो पता चलेगा आपने साधना की है,
किसको उच्च कोटि के दर्शन हुए हैं और कौन तत्वों के कलर देख पा रहा है और किसकी कुंडलिनी शक्ति अभी जागृत हुई है, वो मैं उसी से उन वीडियो के माध्यम से ही मैं जज करूंगा। और आप सबको फिर निमंत्रण दिया जाएगा, एक एक आदमी को फोन किया जाएगा और फिर यहां पर साधना कराई जाएगी उनको एकांत में अलग रखकर। किसी का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, जो लोग मेरे साथ रहेंगे उनमें से जो साधना करके जाएंगे किसी का एक भी रुपया खर्च नहीं होने देगा ये धाम, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अगर धाम में सेवा करना चाहता है, काम करना चाहता है या इस तरह संसार में काम करना चाहता है, उनकी दृष्टि के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे और लेकिन उनको हमारे अनुकूल चलना होगा। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है कि जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो केवल मुझसे जुड़े और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करें, शनिदेव महाराज की अनुकंपा प्राप्त करें। जो देव दर्शन प्राप्त है वो मनु भैया जी हैं और मनु भैया जी को ये साधन आपकी दया से, आपकी कृपा से शनिदेव महाराज ने स्वयं ही दिए हैं और मैं उन साधनों का जिक्र एक एक करके आपके सामने करता जा रहा हूं। आज हमने दीपदान की प्रक्रिया बताई, एक दिन हमने हवन की क्रिया कराई, एक दिन हमने धीरे धीरे नींबू की क्रिया कराई और किस तरह से चीजों को हाथ में लेके आया जाता है, कैसे आपके हाथ हिलते हैं, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही होशियार हो, इंटेलिजेंट हो और डॉक्टर हो, मास्टर हो, वैज्ञानिक हो, उनके भी हमने हाथ हिलवा दिए तो हमने प्रूव कर दिया दुनिया के सामने कि जो हम निगेटिविटी निकालते हैं वो शरीर में कैसे कैसे चलती है और ठीक होने वाले लोग अपने आप बताते हैं। अगर आप ये मानते हो कि ये सारे मनोरोगी है तो इतने मनोरोगियों को ठीक करने का योगदान भी मनु भैया को जाता है क्योंकि फिर मनु भैया से यानी कि मुझसे बड़ा मनोचिकित्सक फिर दुनिया में कोई है नहीं, अगर आप ये समझते हो। दूसरी बात, और अंधविश्वासी हो तो अंधविश्वास करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंधविश्वास से आप ठीक हो रहे हो, ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास का मतलब ये है आपकी अंधश्रद्धा, यानी कि अंधे होकर जो श्रद्धा आपने की है किस पर, भगवान पर, वो आपकी सत्य है, आपके अनुकूल है, तो अंधश्रद्धा और उसको कोई निर्मूलन नहीं कर सकता। आप कितनी ही क्या बना ले, कितनी ही एनजीओ बना ले, कितना भी कुछ बना ले, क्यों, क्योंकि ये जिस प्रकार से जिस उद्देश्य के माध्यम से वो इसको अंधश्रद्धा बोलते हैं उनको पता ही नहीं है ये इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग बीमार हैं, इतने लोग पीड़ित हैं। अगर अंधश्रद्धा है तो क्रिश्चियन सारे अंधे हैं और उनकी श्रद्धाएं अंधी है, क्यों, क्योंकि उनका देवता, उनका ईश्वर, उनका इष्ट जो है वो केवल इसी तरह भूत प्रेत को निकालने के लिए प्रसिद्ध था जगत में और आज उसको भगवान माना जाता है। वो जिधर से जाते थे प्रेत आत्माएं मुक्ति के लिए और अपने मलिन शरीर को खोने के लिए, जो सूक्ष्म शरीर है उनका, उस मलिन शरीर को खोने के लिए किसकी, यीशु मसीह की शरण में चली जाती थी और मोती तुल्य होकर उनके लोकों में आज भी वो विराजित है, यानी कि मोती बनकर, यानी कि आप मलिन आत्माओं को मोती तुल्य बनाकर और उसको क्या करते हैं, स्वच्छ करते हैं। यही काम इस धाम का भी है, इस धाम से भी यही काम हो रहा है और शनिदेव महाराज यही काम कर रहे हैं, बेशक उतने लेवल पे नहीं हो रहा है लेकिन कहीं तक हो रहा है। तो आप भगवान से जुड़े रहे, मैं आपको अपनी साधना की बारीक से बारीक बातें बताता रहूंगा। जो भी मैंने अभी तक साधनाएं बताई हैं वो बहुत गूढ़ है। आप इस तरह से चार जगह बैठ के जप करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को भगवान की निकटता प्राप्त होगी होगी, उसका सानिध्य प्राप्त होगा ही होगा, उसके रोम रोम खुलेंगे ही खुलेंगे, उसको शक्ति का एहसास होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ना हो। तो इसलिए जो 5000 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपनी वीडियो भेजे, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं भेजी है, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। और अन्यतम, क्योंकि अब मैं बहुत गूढ़ गूढ़ साधनाएं बताने जा रहा हूं, तो हम इस पर केवल ऐसी वीडियो डालेंगे लेकिन अगर आप शक्ति शनि धाम से जुड़ेंगे तो वहां आप हमारे बहुत गूढ़तम रहस्य साधनाओं के, जो जगत में बहुत कम मात्रा में प्रसिद्ध है और अगर किसी को मिला तो विदेश में पहुंच गया देने के लिए, उन्होंने भारतीय लोगों को ये संपत्ति प्रदान ही नहीं की। भारत का व्यक्ति, भारत का नागरिक और भारत का महात्मा, भारत का संत होते हुए उसने विदेशियों को तो ये पत्ती दी है लेकिन भारत वालों को नहीं दी, इसलिए वो हमारे से आगे जाने लग रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश है, मेरा जो तत्वाधान है, मेरी जो पुरजोर कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि मैं भारत के युवाओं को अपने मंत्र की शक्ति को प्रदत्त करना चाहता हूं कि वो जिस दिशा में मंत्र को ले जाएंगे उसी दिशा में उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान का विकास होगा और वो दुनिया से हटके बनेंगे और लोगों को अनंत प्रकार के रहस्य उनके सामने, लोगों के सामने उद्घाटित करेंगे और खुद भी वो उसकी चरम सीमा पर पहुंचेंगे और अपने मंत्र से ज्वलंत कार्य दुनिया के अंदर करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आपकी सेवा सच्ची सेवा हो, आपके द्वारा की गई भक्ति सच्ची भक्ति हो और आप लोग जो है ऊपर उठे, इसके निदान के लिए मैं शक्ति शनि धाम जो हमने बनाया हुआ है
उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर, उस ग्रुप से जुड़िए। इसी वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दूंगा, जो जो जुड़ना चाहते हैं, भारत के युवा, भारत की नरनारियां और भारत की माताएं बहने, जो अपने घर पर बैठकर साधना करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनके घर में कभी भी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक दोष ना आए, और अगर आए तो वो उसको खुद ही जो है उसका संहार करें, और इस तरह से अपने घरों को सुरक्षित करें, अपने बच्चों को साफ करें, और सबके अंदर जो है वो ईश्वर का तेज फैले, शनिदेव महाराज का तेज फैले, और धाम की कृपा फैले, और सब जो है वो धाम से जुड़े, आए ना आए कभी, इस बात से मेरा कोई वर्चस्व नहीं है, कोई मेरा इस बात में तत्वाधान नहीं है कि वो आएंगे मुझे एक एक रुपया देंगे। मैंने अरबोपति नहीं बनना है, मैंने जो काम करना था, जितना करना था, वो समाज में कर दिया। इसमें मूलभूत परिवर्तन यही है कि जो हमने जमीन ली है, कभी इस पे मंदिर बनाकर, और एक ही मंदिर बनाकर, और फिर उसके बाद समाज का चौहों से विकास करना हमारा कार्य है, ना कि कुछ जोड़ के इस पृथ्वी से लेके जाना। जय शनिदेव भक्तो, जय शनिदेव। हाँ, लोग इधर उधर मुंह मारते जो फिरते हैं, उनके लिए मेरा एक कहना है, पहले वहां से पाके आओ, अगर वहां से पा गए तो यहाँ मनु भैया जी के पास आके बैठो, और फिर देखो उनको क्या मिला है, कितना मिला है। तो हम यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप कर देंगे, अपने आप पता चल जाएगा किस आदमी को क्या प्राप्त है। एक बात, दूसरा, जो लोग हमारे उससे जुड़े हुए हैं वो ये ना सोचे हमारी कोई भी वीडियो YouTube पे नहीं आएगी। वीडियो के नीचे लिंक आएगा कि आज हम वीडियो देंगे, और जो वीडियो बनाएंगे वो सीधी सीधी टेलीग्राम ग्रुप पे जाएगी। तो आप शक्ति शनिधाम के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़िए। साधना शनिधाम हम खत्म करने जा रहे हैं, हम और मनु भैया जी के साथ भी हम खत्म करने जा रहे हैं, इसके अलावा सारे के सारे ग्रुप हम खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक ही ग्रुप पर वो साधना बताने जा रहे हैं। इसलिए तो आप जो है शक्ति शनिधाम से जुड़िए, और रोजाना थोड़ा 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 करके मैं आपको प्रदत्त करूंगा। अभी 6 दिन तक हम छठनी करने के बाद, जो लोग इधर उधर मुंह मार रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनको हटाने के बाद हम फिर अपने ग्रुप को नए रूप से तैयार करेंगे। 20-25 लोगों को मैं हर महीने बुलाने जा रहा हूं, उनकी यहां पर फ्री में साधना होगी, किराया वो खुद लगाएंगे, अपना सामान लेके आएंगे, और मुफ्त में मैं उनकी 5-5, 10-10 दिन की साधना अपने पास बैठा के कराऊंगा, और उनके साथ रहूंगा, वो मेरा सानिध्य भोगेंगे, और क्या कहते हैं उसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के लिए तत्पर रहेंगे, और अपने अपने इष्ट की पूजा कर सकेंगे बहुत अन्यतम गूढ़ रहस्यों के साथ। कैसे उन्होंने भक्ति करनी है, कैसे पूजा करनी है, वो भी अन्यतम माध्यम से मैं बताऊंगा। एक बार पब्लिक को पूरी को दिखा दो आप, तो बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साहब प्यारे की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव।